तो इस गेम में आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा ना जो आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग अभी देख सकते हो मेरा रैंक उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं 10 दिन बाद रैंक पुश स्टार्ट किया था। टाइम पे गांव में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है इसलिए उतना ज़्यादा पुश नहीं किया। तो अब चलो गेम स्टार्ट करते हैं और आप गेम फास्ट कर दूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके टाइम लॉस हो, इसीलिए मैं गेम कट करके मतलब फाइट का सीन दिखाऊँगा और क्या मैं लैंड करता हूँ कि नहीं ये दिखाऊँगा। ठीक है, तो देखो एक बंदा मैंने मारा उसको, उसने और एक बंदे को नॉक करके रखा था, पता नहीं इसके पास शायद कोई उस कैरेक्टर के लिए वो नॉकडाउन था, उसको मैं क्लियर किया। इधर और भी बंदा है, ठीक है, मेरे को फुटस्टेप आ रहा था तो देखो और एक बंदा सामने, इसको भी मैं बेल दिया। और आपको एक बात बोलूँ, ठीक है, कैरेक्टर पहली बात तो आपको फुल में सोलो में 3 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, पोजिशन, कैरेक्टर और वेपन। ठीक है, वेपन आपको सबसे डैमेज देने वाला आपको गन चाहिए शॉर्ट रेंज में, अभी सबसे बढ़िया वाला यही शॉर्ट गन है ड्रैगन। ठीक है, इससे आप किसी भी अंदे को मार सकते हो, उसके पास M10-3 ही क्यों ना हो। और लॉन्ग रेंज के लिए ना आपको ग्रोजा X या M14, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी गन लेना, ठीक है, इसमें बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, सामने और एक बंदा मैंने देखा और उधर इसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, देखो उसको, उसने अभी तक ग्लूवॉल भी मार दिया, उसको मारना चाहिए मेरे को, इसीलिए मैं क्योंकि पहले ही किल लेता हूँ। मैं ना आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ मेरा, मैं क्या करता हूँ पहले उतर जाता हूँ ब्लू जोन पे, ठीक है, क्योंकि स्लो में एक बेनिफिट होता है कि आप पहले 1-1.5 मिनट तक आप एक बार मर के ज़िंदा हो सकते हो। ठीक है, उस टाइम को आपको फ़ायदा लेना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप अगर आप एक बार मर भी गए ना तो आप सेफ लैंडिंग बाद में कर सकते हो और उस लैंडिंग से आप थोड़ा सा होल्ड करके फाइट करोगे तो आपको बोया मिलने का चांस रहता है। ठीक है, और पहले और एक बार बोल देता हूँ, ठीक है, पहले का जो 1-1.5 मिनट होता है उसमें आपको किल करने लेना चाहिए, ठीक है, 2-1 किल जो भी हो वो आपका एक्स्ट्रा किल है, ठीक है, उससे आपका कैडी रेट मेंटेन रहेगा। तो इसी के साथ देखो मैं इधर आके एक ऐसे एक मतलब वो यूज़ कर रहा था, तभी देखा मैंने एक बंदा, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैंने भी तब नहीं नोटिस किया था, तो बाद में उधर घूम के मैं जब गया था तब मैंने उसको नोटिस किया कि उस बंदे को नेटवर्क नहीं था, तो मैंने उसको एकदम हेड पे एम लेके उसको मार दिया। और जब मैं उसके पास जाता हूँ, ठीक है ना उसके पास और एक मतलब स्कैम हो जाता है, उसको लूटने के चक्कर में मेरे को और एक बंदा डैमेज कर देता है। ठीक है, इधर पता नहीं कहाँ से आया वो बंदा, मेरे को देख के मेरे को पट से डैमेज दे देता है, इसी के टाइम पे मैंने उसको भी मारने का ट्राई करता था। तो आप देखो, और अभी ना आप लोगों को एक प्रॉब्लम हो रहा सुनने में, क्योंकि मैं क्या बताऊँ भाई, बाहर बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए साउंड में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा मैं उतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना, इसीलिए दिक्कत होता है और उतना चीज़ नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए मैं आपको अच्छे से कंटेंट दे सकूँ। तो आप लोग सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब भी करो यार, कैसे तो सोलो में मैं पुश करने वाला हूँ, आप लोग अगर कमेंट करो तो मैं ट्राई करूँगा ग्रैंड मास्टर मतलब रीजन में घुसने के लिए। ठीक है, ग्रैंड मास्टर जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है अभी के टाइम पर, क्योंकि हम लोग जब पहले खेलते थे तब हीरोइक मारने में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। आप एक काम करना, ठीक है, मेरे बात में आप यकीन क्यों करोगे, आप एक काम करना, ओल्ड आपके पास जो भी प्लेयर होता है ना उन लोगों के से आप सुन लेना, ठीक है, कि पहले के टाइम पे हीरोइक में जाने के लिए आपको क्या क्या मेहनत ना करना पड़ता, ठीक है, अभी ये टाइम पे ग्रैंड मास्टर जाने में जितना प्रॉब्लम नहीं है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था पहले के टाइम पे हीरोइक जाने में, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता था। देखो कैरेक्टर में आप जिंदा हो सकते हो, एक बार मर के भी आप आ सकते हो, और तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बात करते करते भाई मेरा 7 किल हो गया और इसी के साथ मेरे को सामने एक और बंदा देखा, ठीक है, वो देखो वो आ रहा है, तो उसने ग्लू वॉल मार दिया, मैं उसको शॉर्ट रेंज में मारने वाला हूँ क्योंकि वो मैं थोड़ा सा भी डैमेज था, वो अभी मतलब नर्वस हो गया, ठीक है, इसी टाइम पे मैं रश कर दिया, उसको मार दिया। और सामने अभी मेरे को जाना है जोन पर भी, देखो वार्निंग अभी स्टार्ट होगा, इसके वार्निंग स्टार्ट होते होते मेरे को जोन में जाना चाहिए, ठीक है, मैं जोन की तरफ ही जा रहा हूँ, जाके पोजिशन लेना है मेरे को अच्छे से, और ग्रोजा भी ख़रीदना था। तो देखो मैंने ग्रोजा खरीद कर भी सामने, देखो भाई स्कैनर पे कितना बंदा दिखा रहा है, 4-4 बंदा दिखा रहा है, इसलिए मैं इधर होल्ड कर ग्लू और पीछे सामने हर तरफ ग्लू और लगा लिया और एक एक बंदे को भी मारने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो और एक किल हो गया मेरे को, वो बंदा मतलब सोनिया बन गया था, उसके पास शायद कोई रिवाइव होने वाला कैरेक्टर नहीं था, तो और एक बंदा जो जोन में जा रहा है उसको भी मैं डैमेज दिया बहुत ज़्यादा, वो सोनिया बन गया और मतलब डिमिट्री भी लगा दिया, तो अभी उसको भी मारने का ट्राई करेंगे। वो देखो उठ भी गया था भाई, ग्लू और नहीं मार पाया, इसीलिए मैं उसको पूरा मार दिया। अभी और एक बंदा अभी जोन में आने वाला था, पता नहीं क्या हुआ, वो आएगा अभी, मेरे को शायद लगता है वो आएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इधर। और इसी के साथ मेरे को 10 किल हो गया और एक इस बंदे को भी मार के बाद मतलब वो नॉक हो गया, देखो अभी इसको भी मैं मारने की ट्राई कर रहा हूँ लॉन्च, ये मेरे साथ दिक्कत होता है यही वाला, जो एक बार नहीं जाता ये, तो भाई हो गया मेरा इतना किल, 11 किल हो गया, अभी सामने की तरफ जाने वाला हूँ अभी,
क्योंकि इधर मेरे को बंदा दिखा भाई, वो देखो सामने से ऐसे मारता है भाई। इसी के लिए मैं बोल रहा कि फ़ायदा नहीं होना आपको, पोजीशन में खड़ा हो रहा है और बंदे से आपको फ़ायदा लेना है। उतना एग्रेसिव मत खेलो भाई, कस्टम नहीं है। कस्टम के जैसा खेलोगे तो आप मर जाओगे, क्योंकि इधर फ़ायदा होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है सोलो में, और अच्छे से पुश भी होता है अगर होल्ड करोगे तो। देखो इसी के साथ मेरा 12 किल हो गया और दो ही बंदा जिंदा है, ठीक है। उसको मैं मारने के लिए उसको ढूंढ ही रहा था कि दिखा मेरे को ऊपर, इसलिए मैं ऊपर जाने वाला हूँ अभी, क्योंकि मेरे को वेट नहीं करना। उधर ऊपर से आपको हेड लग सकता था, इसी में ऊपर आ गया। अभी लास्ट एक ही बंदा जिंदा होगा अभी, क्योंकि वो लोग फाइट हो रहा है, तो अभी मर गया वो एक ही बंदा जिंदा। इसी टाइम पर मैं रश करने वाला हूँ, क्योंकि वो डैमेज है अभी। देखो मैं वो तो मतलब नॉक हो गया, इसी के टाइम पर मैं रश कर दूंगा कि वो उठना पाए। उठने से पहले मैं मार दिया अभी, इसी के साथ मेरे को बोया मिल गया।